सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके, इसलिए आप जो करना चाहती हैं वो आज ही शुरू करें। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज का पंचांग 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, रात्रि 3:41 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:38 से 10:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आपने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लक्ष्य तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होगी। समय कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। ग्रह स्थितियां आपके लिए अधिक परिस्थितियां बना रही है, इसके लिए कर्म प्रधान होना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम बनने की संभावना है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के बीच चल रहे विवादों के कारण आपकी सोच बदल सकती है, किसी का पूरी तरह साथ दे पाना संभव नहीं होगा। विवाद से आप जुड़े नहीं हैं तो खुद को दूर रखें। काम की जगह लोगों का अपेक्षा के अनुसार साथ न मिलने से काम बीच में ही रोका जा सकता है। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय की वजह से पार्टनर और परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सिर दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, अपनी चीजों को संभाल कर रखें क्योंकि चोरी होने के योग बन रहे हैं। आलस लापरवाही जैसी आदतों में सुधार लाएं। भावनाओं में आकर कोई निर्णय ना लें तथा वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखें। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। आपको कोई नया दोस्त या परिचित बन सकता है, इससे आपको प्यार के गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे और बनावटी प्यार में अंतर समझ पाएंगे। इन सारी चीजों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। आज मिलने वाले हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें। बात करते हैं करियर की। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्यवाही करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपनी जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। कार्य क्षेत्र के आंतरिक व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है। अधीनस्थ कर्मचारियों से विवाद की स्थिति ना बनने दें। कोई इंक्वायरी बैठ सकती है। मीडिया फोन द्वारा बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं सेहत की। थोड़ी सी मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखना ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं उस गति से अब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से करें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।